देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम अनलॉक की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाले मंत्रियों को टीम बनाएंगे। यह टीम वैज्ञानिकों से संपर्क कर यह तय करेगी कि हम लॉकडाउन को किस प्रकार खोलेंगे। कई जगह वैक्सीन का विरोध है, इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए टीकाकरण अभियान सीमित बनाई जाएगी। अस्पताल प्रबंधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समिति ऑक्सीजन सहित अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का आकलन करने हेतु ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता समिति और कोविड 19 अनुकूल व्यवहार जागरूकता समिति बनाई जाएगी। 5 समितियों में हमारे मंत्री शामिल रहेंगे। सरकार के साथ जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, हम कोविड 19 को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। इसलिए निचले स्तर तक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अनलॉक की प्रक्रिया निर्धारित करने में शामिल रहे। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में एक एक दिन आए और ब्लॉक स्तर पर कंसंट्रेट करें। हर गांव और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो और वो तय करे कि हमें अनलॉक कैसे करना है। इसे जनता पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी और कोविड 19 के अनुरूप व्यवहार भी जनता अपने आप करेगी। लेखराज यादव की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। आपसे चर्चा करके आज ये समितियां फाइनल कर लेंगे और इन 5 समितियों में किसी न किसी समिति में हर मंत्री हमारे रहेंगे। हम सब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहें और ये काम हम तय करें कैसे खोलना है। इसके लिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, मंत्री साथियों से, कि जिन जिलों के आप प्रभारी हैं उन जिलों में आप जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करें कैसे खोलें, ब्लॉक से कंसल्टेशन करें और गांव की बाढ़ की समितियों से पूछें। उसमें कैसे आप बात करें, कैसे आप कहें, विधायक बात करें, कलेक्टर बात करें, लेकिन हर नीचे की कमेटी का कंसल्टेशन चाहिए। गांव वाली कमेटी भी तय करे कहां ऐसे खोलो, क्योंकि जनता के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम नहीं जीत सकते। और गांव वाला तय करेगा, वार्ड वाला तय करेगा, तो वो पूरी तरह से लागू करेंगे, करवाएंगे। तो एक काम आपको आपके प्रभार के जिलों में मेरा आग्रह है, एक एक दिन आप हर जिले में जाइए और वहां ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करवाइए। आप जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठिए कैसे खोलें और इसके बाद ब्लॉक से कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, आप डेप्यूट कर दें आपकी तरफ से कि ये करेंगे, लेकिन ब्लॉक से तो आप भी कर सकते हैं। और गांव में से हर एक गांव की बैठक होना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की और बाइक की, और वो तय करे कि हम ऐसे खोलेंगे और बाद में कोविड के अनुरूप ऐसा व्यवहार करेंगे। इससे जनता पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी कि हम ही तो तय कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप व्यवहार करवाने वाले आप अकेले नहीं रहेंगे, लोग निकलेंगे, फिर गांव के वार्ड के सारी कमान उनको सौंप दें और हम उनके साथ रहें, जहां जरूरत पड़े वहां गाइड करें। तो ये मुझे आवश्यक लगता है और इसलिए कल मैं प्रदेश की जनता को शाम को संदेश दूंगा। एक कोई और सुझाव देना चाहते हैं, विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, अनुभव के आधार पर, तो जो माई गव जो हमारा मध्य प्रदेश का है एमपी माई गव, उस पर भी उनके सुझाव आ सकते हैं। तो आज 25 तारीख है, हमारे पास प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए 4-5 दिन हैं, इनमें हम पूरी करेंगे और हम 30 तारीख को फिर हम घोषित करेंगे। तारीख एक आध इधर उधर हो सकती है, लेकिन 29-30 और उसके हिसाब से प्रदेश को अनलॉक की दिशा में हम लोग